जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं, उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं, और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है, देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है, और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं, वो तबाही देखते चले हैं, और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है, वो तरक्की करता चला जा रहा है।
130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा या देश रुकने वाला नहीं है? हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को, उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन सब दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति दे करके, विकास के रास्ते को और अधिक ताकत दे करके हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसी सिलसिले में मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर, हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूं। चेन्नई में बनी ये ट्रेन दिल्ली से काशी के बीच पहला सफर करने वाली है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत है, वंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। साथ ही देश में रेल कोच फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, डीजल इंजनों का इलेक्ट्रिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किए गए हैं। आपको याद होगा, पहले रेलवे टिकट में ऑनलाइन रिजर्वेशन की क्या हालत थी। उस समय एक मिनट में 2000 से ज्यादा टिकट बुक नहीं हो सकते थे। अब आज मुझे बहुत संतोष है कि रेलवे की वेबसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली हुई है और एक मिनट में 20,000 से ज्यादा टिकट बुक हो सकते हैं।
पहले हालात ये थे कि एक रेलवे प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलने में कम से कम 2 साल लग जाते थे। अब देश में एक रेलवे प्रोजेक्ट 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में स्वीकृत हो जाते हैं। ऐसे ही प्रयासों से रेलवे के कार्यों में नई गति आई है। पूरे देश में ब्रॉडगेज की लाइनों से अनमैन्ड क्रॉसिंग को एक बड़ा अभियान चलाकर खत्म कर दिया गया है। अब जब हम सरकार में आए थे तो देश में 8,300 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग थी। इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते थे। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म होने से हादसे भी कम हुए हैं। देश में रेलवे पटरियों को बिछाने का काम हो या फिर बिजलीकरण का काम पहले से 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है। देश के सबसे व्यस्त रूटों को प्राथमिकता देकर उन्हें पारंपरिक ट्रेनों से मुक्त किया जा रहा है। बिजली से चलने वाली ट्रेनों में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण भी कम होगा, डीजल का खर्च भी बचेगा और ट्रेनों की गति भी बढ़ जाएगी। जाहिर है रेलवे को आधुनिक बनाने के इन प्रयासों